संतरा नगरी की ओर अब बॉलीवुड के लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। मुंबई की मायावी नगरी के कलाकारों के साथ ही नागपुर के कलाकारों को अभिनय का मौका मिल रहा है। संतरा नगरी के विभिन्न लोकेशन पर हिंदी वेब सीरीज पाजी दी लव स्टोरी का शूटिंग शुरू है। MG फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्माता गौरव शर्मा हैं। इसके निर्देशक विनोद कुमार सिंह हैं। विनोद कुमार का नागपुर से काफी गहरा लगाव रहा है। उनका शिक्षण नागपुर से पूरा हुआ है। उनके पिता रेलवे में नागपुर में काम करते थे। हिंदी धारावाहिक शांति से कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में विनोद कुमार सिंह ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। वे बॉलीवुड के पहले कास्टिंग डायरेक्टर है जिन्होंने नागपुर के कई कलाकारों को अपने धारावाहिकों और फिल्मों में अवसर दिया है। विनोद कुमार का कहना है कि इस बार वह जो वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं यह कॉमेडी से लव रेज है। यह दो दोस्तों की कहानी है जो जीवन में नाम शोहरत और दौलत कमा चुके हैं। उन्हें अब शादी करना है। इसी कहानी के ताने बाने को लेकर वेब सीरीज का निर्माण संतरा नगरी में हो रहा है। तू क्या समझाएगा? तुझे मैं समझा देता हूँ, निकल यहाँ से, चल ना। मेरा नाम वेदांशु अरसिया है। मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मैं पहली बार ये रोल किया हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा सब लोगों के साथ काम करके। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नमस्कार, मेरा नाम सोनू चौरसिया है। मैं नागपुर का ही हूँ और बॉम्बे जाके काम करता हूँ। मेरे विनोद जी है, उनके साथ मैं हमेशा काम करता हूँ। और अभी पाजी द लव स्टोरी है जिसमें मैंने उनका नौकर का काम किया है, किरदार किया है, और बहुत अच्छा है। आप देखिएगा पाजी द लव स्टोरी। मेरे दरकर से ये दरकास है कि आप लोग जरूर देखिएगा। नागपुर आया हुआ हूँ मैं अभी एक वेब सीरीज़ की शूटिंग के सिलसिले में। सीरीज़ का नाम है पाजी द लव स्टोरी। पाजी दो कैरेक्टर हैं, एक परमिंदर एक जितेंद्र। इन दोनों की लव स्टोरी है ये। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप देखिए, तब आप एंजॉय करेंगे, तब आपको पता चले तो ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन ये ऐसा है कि ये दो बुड्ढे हैं, ठरकी बुड्ढे कह सकते हैं आप इनको, जिन्होंने आज तक शादी नहीं की। किस कारण से नहीं की ये भी आपको सीरियल देख के पता चल जाएगा। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें लगता है कि शादी करनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में अब एक सहारे की ज़रूरत होती है। शादी के लिए क्या क्या करते हैं ये। लड़की आती है लेकिन इनकी धुलाई करके चल जाती है। लड़की को लगता है कि ये अपने बेटे की, भतीजे की, भांजे की शादी कर रहे हैं, और पता चलता है कि ये साला बुड्ढा खुसट अपनी शादी के लिए चक्कर चला रहा है। तो वहाँ पे पूरा टर्न ले लेता है ड्रामा, और ये हर एपिसोड में एक नया टर्न लेगा, तो आप कोई भी एपिसोड मिस करना नहीं चाहेंगे। बहुत जल्द ये आएगा और हम लोग भी नागपुर वापस आएंगे आगे की शूटिंग करने के लिए। सर, बचपन में ही मुझे ड्रामा करने की बड़ा शौक़ था। वो काफ़ी ड्रामे किए, उसके बाद अपने कारोबार में घुस गए। तो जब ज़्यादा ही टाइम हो गया लगभग रिटायरमेंट का, तब मैंने इसके बारे में सोचा कि चलो यार अपना शौक पूरा करते हैं। तब हम कभी कभार बॉम्बे आते हैं, कभी पंजाब में, ऐसे काम करने का शौक शुरू हुआ था मुझे। तो अब थोड़े से सीरियल किए हैं और एक फिल्म भी की थी मैंने पंजाबी, और उसके बाद मैंने एक हिंदी फिल्म की थी जिसका नाम था ऋषिक बल्मा 2016 में। तो इसलिए अब बाकी का सब कुछ इस सीरियल के बारे में, सीडी के बारे में सब कुछ परमिंदर जी ने बता ही दिया है, मुझे कोई बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसलिए थैंक यू, आप इसको अच्छी तरह से देखिए और हम बनाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। थैंक यू। मैं अपने बारे में बता दूं कि लगभग 25 साल मैंने रंगमंच को दिया है। रंगमंच के अंदर मैंने एक्ट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, लेखन भी किया है। और शांति एक धारावाहिक आती थी UTV की, वहाँ से करियर की मेरी शुरुआत हुई थी। शांति में बेसिकली मैं कास्टिंग डायरेक्टर था पहले, इंडस्ट्री का पहला कास्टिंग डायरेक्टर। वहाँ से फिर मैं असिस्टेंट बना डायरेक्शन में,
ऑब्वियसली मैं शुरू में एक्टर रहा हूँ तो एक्टिंग भी करी है। उसके बाद बालाजी में करीबन 6 से 7 साल अलग अलग सीरियल, सास भी कभी बहुत ही कहानी, घर घर की, घर एक मंदिर, बंधन, कहीं किसी रोज़, कलीरे, कुसुम, बहुत सारे सीरीज है कि लगभग 15 से 17 सीरियल्स मैंने करे हैं, जिसके अंदर अलग अलग पोस्ट मैंने होल्ड किया है। कहीं क्रिएटिव था, कहीं राइटर था, कहीं डायरेक्टर था, कहीं कास्टिंग डायरेक्टर था, सारी विधाओं से होता हुआ फिर मैं प्रकाश झा के साथ गंगाजल और मृत्युदंड किया है। टीनू आनंद के साथ मैंने किया है, केतन मेहता के साथ चाचा चौधरी किया है, और फिर मैं क्राइम पेट्रोल 2 साल किया है सोनी में। इसके अलावा एक महुआ चैनल होता था, वहाँ उसका मैं क्रिएटिव था, और एक मराठी फिल्म भी मैंने लिखी है और डायरेक्ट की है। उसके अलावा हिंदी फिल्म तुझको पुकारे मैंने लिखी है, डायरेक्ट की है, और एक भोजपुरी फिल्म भी मैंने की है जिसकी शूटिंग नागपुर में की थी, नागपुर के थे, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, अरुण शर्मा जी, सॉरी अरुण सिंह जी, बड़े अच्छे इंसान थे। टूटे ने सनहिया की डोरो फिल्म मैंने नागपुर में शूट करी थी, और उसके सारे कलाकार जो थे वो नागपुर से ही थे। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे वेब सीरीज लिखी है, डायरेक्ट की है, और अभी भी कंटिन्यू मेरा काम जो है उसी हिसाब से चल रहा है। बेसिकली राइटर और डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाऊँ। थैंक यू। इसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। इसके मुख्य कलाकारों में कमल अदीब और तीरथ शर्मा हैं। कमल इसके पहले कई बड़ी फिल्मों व मॉडलिंग का काम कर चुके हैं। तीरथ शर्मा भी अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके हैं। इनके अलावा इस वेब सीरीज में नागपुर के कलाकार सोनू चौरसिया, दीप्ति पटेल, शैल जैमिनी, अनिल पालकर, मास्टर वेदांत चौरसिया, अशोक चौहान, श्रुति पटेल, डॉक्टर अभिषेक बंटी, ऋतुजा मोटघरे और संदीप कुमार ने काम किया है। मेकअप लालजी, लाइटिंग रमेश जी, डीओपी मोहित चौहान, सहायक डीओपी अक्षय सावरकर व साउंड रिकॉर्डिंग शांतनु जैन की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।